हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं नर्डी सैम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली टास्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो डोंट स्किप एनी स्टेप व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ डेली टास्क शीट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है डेट, सीरियल नंबर, डेली टास्क और रिमार्क, और मैंने इसे डेट वाइज ग्रुप करके बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बटन है, अगर मैं वन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से मिनिमाइज हो जाता है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डेट शो हो रही है, डेली टास्क हाइड हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसे डेट वाइज ग्रुप करके बनाया है। अब मान लीजिए आपको किसी पार्टिकुलर डेट के डेली टास्क को देखना है, तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पार्टिकुलर डेट का डेली टास्क शो हो जाएगा। और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आपको इस माइनस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप एक बार में सभी डेट के डेली टास्क को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टू बटन पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से डेली टास्क शीट क्रिएट करने के लिए एक न्यू वर्कबुक ओपन करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डेट टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे 1 मई 2023 इस तरह से टाइप कर लूँगा। और अब दोस्तों आपको यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे डेली टास्क टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे रिमार्क टाइप करना है। और अब दोस्तों आपको सीरियल नंबर वाले सेल में आना है और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 टाइप करना है, एंड देन आपको इसे सेलेक्ट करके नीचे इस तरह से ड्रैग करना है। आपको जहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए आपको इस तरह से ड्रैग करके फिल कर लेना है। अब दोस्तों आपको इसे सेंटर और मिडिल अलाइन कर लेना है और इसके साइज़ को इस तरह से इंक्रीज कर लेना है कॉलम की। और अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको जा करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इसे भी सिलेक्ट करके सेंटर और मिडिल अलाइन कर लेना है, और इसे भी आपको सेंटर और मिडिल अलाइन कर लेना है अपने डेट को, और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिल कलर में जाना है और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फॉन्ट कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इसे आपको बोल्ड भी इस तरह से कर लेना है। अब दोस्तों हमें इसे भी करना है तो हम इसे भी कलर फिल कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने इसे कलर फिल कर दिया है। और यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है इसके लिए, एंड देन आपको इसे बोल्ड कर देना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पे डेली टास्क टाइप करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस तरह से सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा डेली टास्क आ चुका है। और अब दोस्तों आपको अपने डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको इसे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। याद रहे दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइन को छोड़ देना है, देन आपको इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से डेट को चेंज कर लेना है। एडिट करने के लिए आप F2 का यूज़ कर सकते हैं, आप F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एडिटेबल मोड में आपको मिल जाएगा एडिट करने के लिए। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसे ग्रुप करना है, तो इसके लिए आपको अपने डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है, और ग्रुप करने के लिए आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे आपको आउटलाइन पे जाना है। देन आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट इस पर एक बार क्लिक करना है तो आपका डेटा यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने बाकी के डेटा को भी इस तरह से सिलेक्ट करना है, देन आपको डेटा में जाना है और यहाँ पर आउटलाइन में जाना है और ग्रुप पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका डेटा यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से आपका जितना भी डेटा है आप इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा ग्रुप हो गया है, और अब दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा डेटा ग्रुप हो गया और हमने डेली टास्क शीट भी क्रिएट कर ली है। रिमार्क के लिए आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ पे एक बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमार्क लिख के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस सेल में जाना है, और यहाँ पे आपको जाना है होम टैब में, और यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप वाले बटन पे क्लिक करना है, जिससे आपका यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप इसे कंट्रोल
वन प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको कस्टम पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको जर्नल को रिमूव करना है। देन आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है ब्लू। देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है और कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडोज डॉट और यहाँ पे आपको चेक टाइप करना है और यहाँ से चेक को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है कंप्लीटेड। देन आपको यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको अब सेमी कॉलन टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है फिर से और यहाँ पे टाइप करना है रेड। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है और कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडोज डॉट और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रॉस। देन आपको यहाँ पे क्रॉस को सिलेक्ट करना है और इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है पेंडिंग। देन आपको फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस फॉर्मेट को सभी सेल में इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई कर देना है और इसे आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपको बाकी के अपने डेटा में इस तरह से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। और अब दोस्तों आपको इस सेल में आना है और यहाँ पे अब आप एक बार सिर्फ इस तरह से वन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से चेक मार्क के साथ कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह से आप फॉर्मेट सेल का यूज़ करके रीमार्क क्रिएट कर सकते हैं। और अब दोस्तों आपको इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको इसे सेंटर और मिडिल अलाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी डेली टास्क शीट क्रिएट हो गई है। तो अब हम बाकी की भी सेटिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी को हाइड करना चाहते हैं एक बार में तो आपको वन बटन पर प्रेस करना है जिससे आपके सारे जो डेली टास्क हैं सभी डेट के वो हाइड हो जाएंगे इस तरह से। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर डेट के डेली टास्क को ओपन करना है तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है जिससे आपके उस पार्टिकुलर डेट का डेली टास्क ओपन हो जाएगा। और अगर आपको इसे हाइड करना है तो इसके लिए आपको माइनस बटन पर क्लिक करना है जिससे उस डेट का डेली टास्क हाइड हो जाएगा। और अगर आप सभी डेट के डेली टास्क को एक बार में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टू बटन पर क्लिक करना है जिससे आपके सभी डेट का डेली टास्क एक बार में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डेली टास्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोज लेके आता रहता हूँ।